दोस्तों पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। अच्छा भाई ये बताइए, ये किस चीज़ का पेड़, ये गन्ने का है या कुछ और चीज़ है, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए आप। ये गन्ना नहीं है, देखिए दिखता है गन्ने की तरह। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल ये गन्ने की तरह दिखता है, देखिए इसके छिलने पर। अरे हाँ देखिए लग रहा है ना गन्ना है, ये गन्ने की तरह लग रहा है। हाँ। देखिए गन्ना नहीं, इसको हम सरपत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सरपत है जी जी, गन्ना में धोखा मत खाइएगा। अच्छा हुआ मैंने तोड़ा नहीं, मन ले लेके भाग जाता, ठीक है। दिखता तो गन्ने की तरह लेकिन गन्ना नहीं है ये। हीरा वगैरह बहुत छोटे छोटे गाजर, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। अभी और भी गाजर निकाला जा रहा है, वो तो मैंने मना कर दिया कि रहने दीजिए भाई, वरना पूरा गाजर ही साफ हो जाएगा एक दिन में। वीडियो बना लो इनका, खेत में खन्ना तिलना के, कौन खन्ना ये एक बना लो ना, बढ़िया था बना तो रहे हो, बस करो भाई एक तो काफी है। देखिए अभी हमने गाजर जमीन के अंदर के से खोद कर निकाला है, और ये काफ़ी मतलब छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े हुए नहीं हैं। ये ताड़ का पेड़ है, ये गर्मी के दिन में ताड़े निकलता है। अच्छा मतलब हम लोग पीते होते नहीं हैं। बड़ी अच्छी बात है, पीते वीते नहीं है तो। ये पत्ता तोड़ है और ये पथरी में काम आता है। अच्छा 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 सही है, उखाड़ना पड़ेगा इसको, टाइम लगेगा, ठीक है। पानी इसमें डाल देंगे तो अंदर हो जाएगी जमीन, तो निकाल लिया जाएगा उखाड़ कर। न्यू वराइटी मैंगो ट्री। अच्छा अच्छा, और ब्लैकबेरी यानी जामुन का ट्री है, अभी तो छोटा ही। और इधर एक जानवर भी बंधा हुआ है, और ये है पोमेग्रेनेट अनार का पेड़। देसी दवा, और पानी चला के पंप हैंड पंप से धोते हैं। देसी खा रहे हैं भाई देसी। इसको धोने के बाद हम लोग इसको ऐसे खाएंगे। वाह अरे भाई कच्चा ही, हाँ कच्चा देसी है ना। अच्छा अच्छा मीठा भी है। तो ये टोमेटो का प्लांट है, अभी फल नहीं आया है, लेकिन फल आने में थोड़ा टाइम है, ये आ जाएगा। और ये देखिए मैंगो का ट्री है, अभी लगा हुआ नहीं है, फल लगा हुआ नहीं, गर्मियों के दिन में लगता है। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, अभी धीरे से तोड़ लेता हूँ, हमारी तरफ कहाँ मिलेगा। हाँ लेकिन बाद में बता दूंगा यार, टेंशन वाली बात नहीं है। ये है बोट, इसी से हम आए थे, और अभी फिलहाल इसी से लोग आते जाते हैं। बोट आएगी तो हम भी इसी से घर जाएंगे। एक रोप की मदद से, एक रस्सी की मदद से इसको इधर से उधर किया जाता है, और यही बोट को भी चलाएंगे जिनके घर हम गए थे। क्यों हम आ गए अपने घर की तरफ। इसी के साथ हमारा व्लॉग भी होता है ख़त्म, मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, टेक केयर।